गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए लॉस ऑफ प्रॉफिट की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार देख लें। अ फायर अकर्ड ऑन 1 फरवरी 2014 इन द प्रीमिसेस ऑफ पायनियर लिमिटेड, अ रिटेल स्टोर एंड बिजनेस वर पार्शियली डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू 30 जून 2014। 1 फरवरी को आग लगी और 30 जून तक हमारा बिजनेस इम्पैक्ट रहा। द कंपनी वॉज इंश्योर्ड अंडर अ लॉस ऑफ प्रॉफिट फॉर ₹1,25,000 विद अ 6 मंथ इंडेमनिटी पीरियड। जो इंडेमनिटी पीरियड था वो हमारा 6 महीने का था कि 6 महीने तक की हम इंडेमनिटी आपकी क्लियर करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। हमारा एक्चुअल टर्नओवर दे रखा है, टर्नओवर फॉर द सिमिलर पीरियड लास्ट ईयर दे रखा है, टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी टू 30 जनवरी दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दे रखे हैं, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस दे रखे हैं, टर्नओवर फॉर द लास्ट ईयर दे रखा है। ये इस डिटेल से हम कुछ वर्किंग नोट्स बनाएंगे, उन वर्किंग नोट्स को आपको समझना होगा, ठीक है। पहले हमें देखना है कि आग हमारी कब लगी है, ठीक है। चलिए, तो हमारा आग लगी है 1 फरवरी 2012 को, 1 फरवरी 2014 को आग लगी हमारी, ठीक है। तो 1 फरवरी 2014 से हमारा जो बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है वो 30 जून 2014 तक हुआ है। इसके पहले की जो 12 महीने की सेल होगी, यानी कि 1 फरवरी 2013 से 31 जनवरी 2014 ये जो 12 महीने की सेल होगी ये हमारी कहलाएगी AAT। AAT का मतलब होता है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ठीक है जी। ओके, ये करंट ईयर है, इसका मतलब है 1 फरवरी 2013 से 30 जून 2013 इस पीरियड की सेल जो होगी, इससे हम देखेंगे इस पीरियड में सेल क्या थी और करंट पीरियड में सेल क्या है और हमारी शॉर्ट सेल निकल आएगी, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये सारे वर्किंग नोट्स हैं हमारे, तो सबसे पहले हमें जीपी परसेंटेज निकालनी है। तो जीपी परसेंटेज इक्वल टू होता है एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज अपॉन टर्नओवर। क्वेश्चन में दिया है कि 70,000 का आपका नेट प्रॉफिट है, 56,000 का इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज है, 420,000 का आपका टर्नओवर है। इससे आपका जीबी परसेंटेज निकला आया 30%, ठीक है। चलिए, अब वर्किंग नोट टू निकलेगा हमारा शॉर्ट सेल का। क्वेश्चन में थोड़ा आप देखिए, सबसे नीचे पढ़िए, नीचे वाली लाइन क्या लिखा है। देयर हैड बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन ट्रेड सिंस द डेट ऑफ लास्ट एनुअल अकाउंट एंड इट हैज बीन एग्रीड दैट एन एडजस्टमेंट ऑफ 15% वी एडजस्टमेंट ऑफ 15% इन रिस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड ट्रेंड इन टर्नओवर। यानी कि इनका ये कहना है कि करंट ईयर में 2014 में हम अपवर्ड ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे थे, ओके, ठीक है। सो अब हम देखेंगे सेल ड्यूरिंग 1 फरवरी 2013 टू 30 जून 2013 ये कितनी है हमारी, क्वेश्चन में दी रखी होगी। ये हमारी है 2 लाख रुपए की।
इसके बाद अपवर्ड हमारा ट्रेंड चल रहा था एट द रेट ऑफ 15%, तो इसमें 30,000 रुपये और जोड़ दीजिए। ये हो रही है सेल्स शुड बी, जो सेल होनी चाहिए थी मुझे 1 फरवरी 14 से 30 जून 14 में, ये सेल होनी चाहिए थी। इसमें से अब करें एक्चुअल सेल कितनी है, ये हमारी है 80,000 की। तो शॉर्ट सेल जो है वो निकला है हमारा 2,50,000। ठीक है, अब वर्किंग नोट 3, ये चाहिए हमें जीपी ऑन एएटी, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एएटी। एएटी का मतलब है टर्नओवर फॉर 12 मंथ अप टू डेट ऑफ फायर, दैट इज टर्नओवर फॉर 1 फरवरी 13 से 31 जनवरी 14 तक का। ये टर्नओवर है हमारा 4,50,000 का। क्वेश्चन में इन्होंने सीधा बोला है 15% अपवर्ड ट्रेंड है 67,500 का, ये 5,17,500 आया AAT। सो जीपी ऑन AAT 5,17,500 इंटू 30%, ये बनता है 1,55,250। वर्किंग नोट 4 बनाइए, अनइंश्योर्ड अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो निकाल सकते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस ये होते हैं टोटल स्टैंडिंग चार्जेस माइनस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, 64,000 माइनस 56,000, तो ये 8,000 निकल आया। ठीक है, तो अब ये जो वर्किंग नोट्स हैं इन वर्किंग नोट्स के बेसिस पर हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम कैलकुलेशंस। चलिए, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्लेम फॉर, एक तो जीपी ऑन शॉर्ट सेल ये आएगा 1,50,000 इंटू 30%, तो 45,000। ठीक है, फिर आएगा एड क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, ये हम वर्किंग नोट 5 बनाएंगे इसके लिए। इसमें से हम करेंगे लेस सेविंग इन
इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो ये हमारा नेट क्लेम आएगा। ठीक है, सेविंग इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्वेश्चन में दिया है 2,450 रुपये, टेबल के नीचे पढ़िए ध्यान से, मिल जाएगा आपको। अब वर्किंग नोट 5 बनाइए। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, इसमें आएगा एक्चुअल एक्सपेंसेस, ये है 6700। ठीक है, द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस विच रिड्यूस द लॉस इन टर्नओवर। दूसरा हमें ये नहीं पता कि कितना आएगा, जीपी ऑन एडिशनल सेल, हम ये मान के चलते हैं कि पूरी जो सेल हुई है वो इन्हीं की वजह से हुई है, तो ये 24,000, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ फॉलोइंग है। तीसरा हमारा है एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी ऑन एटी अपॉन जीपी ऑन एटी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो ये आया हमारा 6700 तो ये 6372 लिस्ट ऑफ अबव, यह 6372 सो 6372 इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारा 51372, ये आया 48922। अब आप देखेंगे पॉलिसी अमाउंट है हमारी 1,25,000 की एंड जीपी ऑन एटी है 1,55,250 का, तो हमारा सिंस पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन जीपी ऑन एटी, एवरेज क्लॉज हमारा अप्लाई होगा। सो क्लेम फॉर प्रॉफिट 48922 इंटू 1,25,000 1,55,250 39390 ये हमारा क्लेम बना। तो ये वर्किंग आपको 2-3 बार क्वेश्चन करने से आपको समझ आ जाएगी। आई होप क्लियर होंगी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।